गाइस, क्या आप भी बहुत तरह की एक्सरसाइज करके थक चुके हैं? क्या बहुत तरह के डाइट प्लान फॉलो करके थक चुके हैं? या फिर आपका मोटापा इतना ज्यादा है कि आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते और बहुत ही ज्यादा हेट्रिक डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते? इसके साथ साथ आपको घुटनों की तकलीफ है, आप किसी तरह का चल उठ बैठ नहीं पाते और आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वजन कम क्यों नहीं हो रहा, बहुत तरह की चीजें ट्राई करने के बाद आप बिल्कुल थक चुके हैं, तो आज का मेरा वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छी रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट रेमेडी लेकर आई हूँ जो 10 दिन में आपका 5 किलो वजन कम कर देगा। तो देरी किस बात की, फॉलो करते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कैसे बनाना है, कैसे पीना है, सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो छोटा बेल आइकन होता है ना उसको जरूर प्रेस करें और प्रेस कर दे टाइम ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं नींबू का, वो भी छिलके के साथ, क्योंकि इसके छिलके में अनगिनत फायदे होते हैं। नींबू के छिलके में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो हमारे गठिया जैसे रोग को खत्म कर देता है। इसके साथ साथ हमारे दिल की बीमारियों को ठीक करता है और इसके साथ हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये हमारी स्किन से फ्री रेडिकल्स को हटाता है जिससे हमारी स्किन पे एजिंग नहीं आती, हमारी स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर बनती है और इसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है और अगर आपको पाइलिया की समस्या है तो वो भी से दूर हो जाएगी, आपके मुंह से दुर्गंध आना तक बंद हो जाएगी। तो ओवरऑल ये वेट लॉस के साथ साथ आपने जाना कि कितने ज्यादा इसके फायदे हैं, तो आज हम इसके छिलके का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए वो है अदरक। अदरक आपके जमा हुआ चर्बी को बहुत अच्छे तरीके से पिघलाता है, आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपको इनडाइजेशन की समस्या है अगर पेट फूलने की, एसिडिटी की, कब्ज की, इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, आपके पुराने से पुराने गठिया को बिल्कुल ठीक कर देता है, मांसपेशियों में अगर सूजन है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि वजन बढ़ने से हमें ये सारी तकलीफें होती हैं। ये आपके शरीर में से वात को खत्म करता है, अगर आपके शरीर में वात बिल्कुल बैलेंस रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। ट्रस्ट मी, अगर आप भी किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो इस रेमेडी को पीकर देखें और फिर देखें आपका वेट लॉस कितना फास्ट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसको बनाने का है क्या है सही तरीका। इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्लेट ले लेनी है और इस तरह का एक कद्दूकस ले लीजिए आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और छिलके के साथ हम इसको घिसना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इसका छिलका ही यूज़ करना है। आप देख सकते हैं इसका छिलका मैंने घिस लिया है एक लेमन का। लेमन को भी हमें यूज़ करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगी आपको अभी। तो इसको आप जितना भी रह रहे हैं बाकी बचा हुआ अभी अच्छे से आप इसका छिलका निकाल लीजिए। यहाँ पे छिलका घिस कर निकाल लिया है, लेमन को मैंने साइड पर बाउल में रख दिया है, आप भी लेमन अभी साइड पर रख दीजिए। उसके बाद आप 1 इंच अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने कद्दूकस कर ली हैं और अब हमने लेना है एक फ्राइंग पैन, उसमें हमें ऐड करना है 2 ग्लास पानी, ऐड करने के बाद हमें क्या करना है ये सारे इंग्रेडिएंट को इसमें मिक्स कर लेना है। इसको हमें इतना काटना है कि 1 ग्लास रह जाए, ठीक है। तो चलिए अब गैस पर इसको उबाल लेते हैं। अब हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है तो उसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानने के टाइम हमेशा स्टील की छन्नी का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का कभी भी इस्तेमाल ना करें और रेमेडी को हमेशा ऑलवेज कांच के ग्लास में ही छानकर आपको इनटेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे छान लिया है, 1 ग्लास से ऊपर आपका बचेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो उसको भी आपको पीना है। अब हम क्या करेंगे, हाफ लेमन को इसमें स्क्वीज कर देंगे, आप चाहें तो फुल लेमन भी डाल सकते हैं। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक है तो आप लेमन अवॉइड भी कर सकते हैं।
इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चुटकी भर जो हींग होती है ना, हींग पाउडर पिसा हुआ, वो आप इसमें ऐड कर लीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए, तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। उससे आपको जितना भी आपका पेट जो है ना बहुत हल्का फील होगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसको आपने इनटेक करना है। अब जान लेते हैं इसका सही समय क्या है, कब इनटेक करना है। अगर आपका बहुत ओवरवेट है तो आप इसका एक ग्लास पियेंगे सुबह खाली पेट, उसके एक घंटे बाद ही आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, राइट। ऐसा ही अगर आपका वेट एक्स्ट्रा है, आप चाहते हैं उसको और जल्दी रिड्यूस करना, तो इसका एक ग्लास आपने पीना है रात को खाना खाने के एक घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले, ताकि जो भी आपने खाया है वो अच्छे से आपके डाइजेस्ट हो जाए। इसके साथ इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि जब आप इसको पी लेंगे, जब आप खाना खाते हैं, तो हमेशा ऑलवेज कोई भी वज्रासन में बैठ जाएं या खाना खाने के 15 मिनट बाद वॉक करें। इमीडिएटली आपको लाई डाउन नहीं होना, यानी बेड पे नहीं लेटना, तो इस चीज का ध्यान रखें, डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस होगा। तो चलिए अब ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। वेट लॉस ड्रिंक है, इफेक्टिव तो लगेगा ही बहुत ज़्यादा कि हमारा वेट कम करेगा, तो उतनी ज़्यादा एक्साइटेड है उसको पीने के लिए, फॉलो करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो गाइस, ये था बेहतरीन वाला रेमेडी जो आपको डेली इनटेक करना है। जैसे मैंने बताया है, सेम टाइमिंग्स पे आपको इनटेक करना है, रोजाना करिए और विद इन 10 डेज आपका 5 केजी वेट लूज होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ आपको तीन इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर फॉलो करनी है। एक तो आपको पूरे दिन में बहुत ज्यादा पानी पीना है, खाना खाने से एक घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना है। इन बिटवीन आपको पानी, यानी खाने के बीच में आपको पानी बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको ज्यादा नमक और मीठे पर कंट्रोल करना है, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना है। तला भुनी चीजें नहीं खानी, क्योंकि जो मीठा होता है ना, बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा करता है और सबसे पहले आपके पेट टारगेट करता है। तो आपको अवॉइड करना है कि इन 10 डेज आपने बिना चीनी वाले दूध पीना है, चाय पीनी है बिना चीनी के पीनी है, कॉफी पीनी है तो बिना चीनी के पीनी है, ठीक है। खाने में भी जो सॉल्ट का इस्तेमाल है ना, बहुत कम करना है, ठीक है। ज्यादा सॉल्ट हमारे बॉडी में वेट को इंक्रीज करता है, तो अगर इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाना खाने के बाद भी एक आसन कर सकते हैं, उसका नाम होता है वज्रासन, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है कि कैसे उसको फॉलो करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उसको जरूर फॉलो करें तीनों टाइम्स के मील्स के बाद, सिर्फ इमीडिएटली जैसे खाना सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठ जाइए और फिर देखिए अल्टीमेट रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।